नमस्कार नवोदय क्लास साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की है एक और ताज़ा खबर। खबर झांसी से है, जहां थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के टंडन रोड पर शातिर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। यहां चोरों ने थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान को अपना निशाना बनाया है। चोर दुकान की शटर का ताला तोड़कर दुकान में रखा हजारों का माल और गुल्लक में रखे रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। चोरों की करतूत पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। जानकारी के अनुसार ताज कंपाउंड निवासी मोहम्मद मुमताज की थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के टंडन रोड पर इंसाफ गारमेंट के नाम से दुकान है। दुकानदार के अनुसार उसको सुबह सूचना मिली कि उसकी दुकान का ताला टूटा पड़ा है। जिस पर वह दुकान पर पहुंचा तो दुकान का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। दुकान से जैकेट, बुलन, टी शर्ट, जीन्स व 6000 रुपये गुल्लक से गायब मिले। दुकानदार के अनुसार उसकी दुकान से लगभग 60000 रुपये की कीमत का माल चोरी हो गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि चोर चोरी की घटना को दुकान से चंद कदम की दूरी पर चमनगंज चौकी के पास चोरी की घटना को अंजाम देते रहे, जबकि रात में वहाँ पुलिस की ड्यूटी भी लगती है। इसके बावजूद भी चोरी हो गई। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व ही मनोज वर्मा ने थाना सीपरी बाजार प्रभारी निरीक्षक का चार्ज संभाला है। उनके चार्ज संभालने के बाद ही चोरों ने इस घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मुश्ताक अली के साथ प्रदीप की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? भैया मोहम्मद मुमताज। क्या हुआ आपके यहाँ? भैया चोरी हो गई है, और सुबह एक पीछे मेरे मिलने वाले रहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया मुझे, कह रहे आपके ताले टूटे हैं। फिर मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा तो ताले के कुंदे टूटे हुए थे, और जो जैकेट का माल है हमारा, वो जैकेट का माल जो है काफ़ी हद तक वो लोग उठा के ले गए। 6000 रुपये कैश थे, वो 6000 रुपये कैश भी ले गए। करीब 60-59 पीस होंगे भैया। करीब कितने का नुकसान हो गया? भैया करीब 60-65 हज़ार का नुकसान हुआ। बताइए, कल आप दुकान बंद करके गए थे? जी। दुकान खुली थी, और दुकान कैसे बंद कर दी है? कल जैसे हमेशा बंद होती है भैया, जैसे हमेशा खुलती है वैसे ही खोल के और वैसे ही बंद करके गए थे। सब चेक करके गए थे सारी चीज़ें, और ये सुबह के टाइम की घटना है। अभी ये सीसीटीवी कैमरे पे देखा हुआ है तो 4:30 बजे की घटना है। सीसीटीवी कैमरे में लड़कों की, दो तीन लड़के हैं, लंबे लंबे से लड़के हैं, उनकी वीडियो आ रही है साफ, पर चेहरा ढके हुए हैं वो लोग। किस नाम से आपकी दुकान है? किस थाना क्षेत्र में? मेरा सीपरी बाजार टंडन रोड पर दुकान है, इंसाफ गारमेंट शॉप का नाम है भैया। आपने FIR की क्या? जी भैया, चौकी इंचार्ज को मैंने FIR की, 112 पे डायल किया था मैंने, तो वो आगे एक एप्लीकेशन उनको दी है मैंने। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।